तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोट की ओर से आने वाली डेटा केबल के बारे में। तो ये रिप्लेस हुआ था एक्चुअली मेरे अपार्टमेंट में रहते भैया, तो उन्होंने, मैंने ही ऑर्डर किया था ये चीज़, और उनका एक साल वो होने ही वाला था। उनका डेटा केबल में प्रॉब्लम आ रहा था, तो जो वो लैपटॉप से कनेक्ट कर रहे थे तो डिस्कनेक्ट हो जा रहा था। तो ये कुछ टाइम लेता है, मैंने रिप्लेसमेंट में डाला, विद इन वन वीक नया वाला डेटा केबल वो आ गया है। और कैसे रिप्लेसमेंट करना, अगर आपको ये जानना है तो मेरे को बताओ, इसके बाद मैं वही वीडियो बनाने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो ये रहा, बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये लाइटनिंग पोर्ट है, मतलब एप्पल में जो आती है यूएसबी टू लाइटनिंग पोर्ट, वो अप्रॉक्स 800 या 900 का आती है, और जो ओरिजिनल आती है वो कुछ ज़्यादा ही महंगा होता है। बोट से ज़्यादा सस्ता मेरे को दिखा। तो कुछ कुछ मैं इसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि ये 2.4 एम्पेयर तक सपोर्ट करता है। फिर इसमें जो रीड राइट स्पीड है इसकी लैपटॉप के साथ, वो 480 Mbps, एंड इसका जो लेंथ है वो 2 मीटर है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लंबा है ये। एंड 2 वे कनेक्टिविटी के साथ आता है ये चीज़, ये डेटा केबल। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 2 साल की वारंटी है, मतलब आपको चेंज हो 2 साल चल के, मतलब थोड़ा पैसा वसूल है। और मेरा जो डेटा केबल है, मैं इसको रिप्लेसमेंट डालूंगा, वो मैं लगाता हूँ तो हिल जाता है, वो छोड़ देता है। तो वारंटी है, मतलब इसको मैं रिप्लेसमेंट डाल देता हूँ, और कैसे रिप्लेस करना तो उसका मैं एक वीडियो बना देता हूँ इसके बाद वाले वीडियो। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि किसके साथ ये आ जाएगा। तो आईफोन 11 में ये लग जाएगा, आईफोन XR, XS मैक्स, आईफोन 8, आईफोन 7, 7 प्लस, आईपैड एयर, आईपैड 5th जनरेशन, आईपैड आईपैड प्रो 11, फिर क्या आईपैड प्रो 10.5 इंच वाला जो है 7th जेन, वो मतलब आईपैड प्रो 12.9 3rd जेन वाले आ जाएगा, आई पोड टच 7th जेन, आई नैनो 7th जेन में आ जाएगा ये चीज़। एंड यहाँ पे आप सारा कुछ देख सकते हो, डब्बे पे लिख रखा है ऑलरेडी। एंड इस साइड भी बोट का वो जो अपना लोगो है वो यहाँ पे दे रखा है। 2 मीटर का ये केबल है, एंड यहाँ पे 2 ईयर का वारंटी दे रखा है, बाकी और कुछ है नहीं। तो सीरीज को हम लोग करते हैं अनबॉक्स, तब तक आप चैनल को करते हो सब्सक्राइब। 2021 आ चुका है, अभी तक हमारा 1K सब्सक्राइबर जो है वो पूरा हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ कि फटाक से 2022 आते आते मेरा पे 10 या बहुत ज़्यादा बोल दिया 5K तक सब्सक्राइबर हो जाए। तो ये एक एम लेके चल रहे हम लोग, तो चलते हैं देखते हैं इसका अनबॉक्सिंग एंड ऑल। डेटा केबल, इसका वायर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा लंबा वायर होता है। एंड ये भी सिल्वर कोटेड है, ठीक है, बोट का ब्रांडिंग और वायर क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग वायर है। तो अभी हम चार्जर लगा के आपको दिखाई देते हैं, इसमें और क्या ही दिखाएं हम, 1-2 मिनट का वीडियो बनेगा, क्योंकि डाटा केबल है, मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। और इसका मैं पहले एक चीज और बता दूंगा आपको, ये देखो चार्ज होना शुरू हो गया है। तो बाकी जो भी आपके पास इंक्वायरी होगा इस डेटा केबल के बारे में, तो मेरे से आप कमेंट में पूछ लेना, इंस्टाग्राम पे पूछ लेना, मैं बता दूंगा। और कैसे कैसे रिप्लेस किया था अगर आपको वो भी जानना है, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट करके बताना, तो मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा, इसके बाद इस पर वीडियो बना दूंगा। तो इसका क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, और इसका लेंथ बहुत ज़्यादा लंबा है, मतलब डाटा केबल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा लंबा लेंथ है। तो ये चीज़ अच्छा लगा बोट का, इसलिए इसको ही ऑर्डर किया जाता है। तो ये तो ठीक है, अब जिसका ये डेटा केबल है उसको दे देते हैं।